ये नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये सभी वीडियो आप देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से देख रहे हैं। आज हम क्लास 10 का विज्ञान का पाठ संख्या 7 जो है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्म, उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे डायबे राइनर या डोबे राइनर का त्रिक नियम। डायबे राइनर का त्रिक नियम क्या कहता है सुनिए। डायबे राइनर ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार भी लिखा सकता है, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही होता है छोटे से बड़ा। फिर उसने तीन तीन तत्वों के त्रिक बनाए। सबसे पहले उसने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। फिर उसने तीन तीन तत्वों के क्या बनाए, त्रिक बनाए। इस त्रिक में क्या था, जो फर्स्ट नंबर पर यानी पहला तत्व था, त्रिक कितने का था, तीन का, तो जो पहला और तीसरा तत्व था, पहले तथा तीसरा तत्व जो था, उनके परमाणु द्रव्यमानों का क्या औसत, उनके परमाणु द्रव्यमानों का औसत किसके बराबर था, बीच वाले तत्व के या दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर था। कौन कौन से तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत, पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत। जैसे ये तीन हो गए, तीन का त्रिक बनता है तो ये तीन हो गए, एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया। इन तीनों में क्या था, पहले और तीसरे तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान का औसत था, दोनों को मिलाकर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या सूत्र से औसत निकाल कर ये किसके बराबर था, बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर था। ठीक है, इस तरह उसने अपना त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम में उसने क्या बताया था कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत, तत्वों किस नियम के आधार पर डायबे राइनर तीन त्रिक बना सका, तीन त्रिक बनाए उसने। तीन त्रिक कौन कौन से थे, ली ना की, कल बारात आई और कोल्ड से बचो, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम और के फॉर पोटेशियम। ये पूरा एक त्रिक बन गया। अब देखिए, लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39, दोनों का योग हुआ 46, राशियों का योग हो गया 46 और संख्या कितनी होगी, एक और एक दो, दो का भाग देते तो कितना जाता है, 23। तो पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत किसके बराबर है, बीच वाले तत्व के। इन दोनों में क्या है, लगभग बराबर होता है, पूर्णतः बराबर नहीं होता है, लगभग बराबर है। दूसरा त्रिक बनाया उसने कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम का, और तीसरा बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इस प्रकार उसने अपने त्रिक नियम में केवल वो कितने त्रिक बना सका, तीन ही त्रिक बना सका। नियम क्या था, डायबे राइनर का नियम ये था, उसने सबसे पहले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के कौन से क्रम में व्यवस्थित किया, आरोही क्रम में। फिर उसने क्या किया, तीन तीन तत्वों के क्या बनाए, त्रिक। इस त्रिक में पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का औसत जो था वो किसके बराबर था, बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या था, बराबर था। पहले तथा तीसरे तत्व का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर था। पहले तथा तीसरे तत्व का औसत जो था वो बीच वाले तत्व के बराबर था। अब इस नियम के आधार पर वो तीन त्रिक बना सका था, कौन कौन से थे, लिथियम, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोनियम और बेरियम। बी ए है बेटा, यहाँ पे बी ए है, गलत भूलवंश लिख दिया क्या, बी ए है। उसके बाद है ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये तो दे दिया उसने नियम, अब इस नियम की कुछ सीमाएं यानी कमियां भी थी। कमियां क्या थी, तो देखो पहली कमी तो आपको क्या दिख रही है, पहली कमी दिख रही है कि वो तीन ही त्रिक बना सका। तो इस नियम के आधार पर डायबे राइनर केवल कितने त्रिक बना सका, पहली कमी हुई तीन ही त्रिक बना सका। अब जब तीन ही त्रिक बना सका तो तीन तो त्रिक में तो कुछ ही तत्व आए, तो यह नियम कुछ ही तत्वों पर क्या हुआ, लागू हुआ। तो उसके नियम को पढ़ा, उसके तीन त्रिकों को पढ़ा और उसकी सीमाओं को पढ़ा हमने, उसके तीन त्रिक नियम को पढ़ा, किसके त्रिक नियम को, डोबे राइनर के। फिर उसके तीन त्रिकों को पढ़ा, उनके परमाणु द्रव्यमानों को पढ़ा और उसके बाद उसकी तीन, उसकी जो सीमाएं थी उन सीमाओं के बारे में पढ़ा हमने। दूसरा जो हमारा नियम है उसका नाम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने का अष्टक नियम पढ़ेंगे हम। न्यूलैंड ने भी वैसा ही कुछ किया, न्यूलैंड ने भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, किसने, न्यूलैंड ने। फिर उसने क्या किया, आठ आठ तत्वों के बनाए अष्टक,
सबसे पहले उसने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, फिर उसने आठ आठ तत्वों के बना लिए अष्टक। इस अष्टक में क्या था? इस अष्टक में पहले और आठवें तत्व के गुणधर्म उसी प्रकार से समान थे। कौन कौन से के? पहले तथा आठवें तत्व के गुणधर्म उसी प्रकार से समान थे जिस प्रकार संगीत का पहला और आठवां स्वर क्या होता है? समान होता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम ये बात कहता है कि न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, फिर उसने आठ आठ तत्वों के अष्टक बनाए। इस अष्टक में पहले तथा आठवें तत्व के गुणधर्म उसी प्रकार से समान थे जिस प्रकार संगीत का पहला और आठवां स्वर क्या होता है, समान होता है। कैसे होता है देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, पहला भी कौन सा सा और आठवां भी कौन सा सा। उसी प्रकार उसके भी जो उसने अष्टक बनाए उस अष्टक में पहले और आठवें तत्व के गुण धर्म भी क्या थे, समान थे। अब आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ने के बाद, न्यूलैंड के अष्टक नियम की कुछ सीमाएं या कमियां थी, उन कमियों के बारे में या सीमाओं के बारे में। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था वो केवल हल्के तत्वों पर लागू होता था। हल्के तत्व किसे कहा जाए, जिनका परमाणु द्रव्यमान कम था। तो यह नियम हल्के तत्वों पर लागू होता है। दूसरा, यह नियम सुचारू रूप से यानी सही ढंग से कहां तक लागू होता है, केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। और इस नियम के आधार पर न्यूलैंड ने 56 तत्वों की खोज की। कितने तत्वों की? 56 तत्वों की खोज की और भविष्यवाणी की कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं, जबकि इसके बाद के वैज्ञानिकों ने और भी तत्वों की खोज की, जिसके आधार पर यह नियम क्या हो गया, असफल हो गया। यानी न्यूलैंड ने भविष्यवाणी की कि प्रकृति में केवल कितने तत्व हैं, 56, जबकि इसके बाद के वैज्ञानिकों ने और भी तत्वों की खोज की, 56 से आगे भी तत्व खोज, जिसके आधार पर यह नियम असफल रहा। अब याद रखना है, अपने एक और पढ़ेंगे, डायबेराइनर पड़ा, न्यूलैंड पड़ा और मेंडलीफ पड़ा। तब तक निष्क्रिय तत्वों की खोज नहीं हुई थी, निष्क्रिय अक्रिय या उत्कर्ष तत्वों की खोज नहीं हुई थी भाई। तो हमने पढ़ा आज डायबेराइनर का तिरक नियम और न्यूलैंड का कौन सा नियम, अष्टक नियम। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में बात। अब हमने जो इससे संबंधित क्वेश्चन करने कॉपी में, जो आपने सभी बच्चों ने कॉपी में करने हैं, वो पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखो और उसकी सीमाएं बताओ। हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था, नीचे सीमाएं पढ़ी थी, वो लिखनी है आपने। दूसरा नियम क्या था? दूसरा, डायबेराइनर का तिरिक नियम लिखो और उसकी भी क्या बताओ, सीमाएं। जो हमने न्यूलैंड से पहले पढ़ा था वो डायबेराइनर था। फिर तीसरा क्या था, डायबेराइनर के तीन तिरिक लिखो। यहाँ पे हमने तिरिक लिखे थे लिथियम सोडियम पोटेशियम, फिर 7, 23, 39, वो लिखे थे ना, ऐसे तीन लिखे थे हमने, वो तीनों लिखने हैं। और साथ में उनके नजदीक जो संख्या लिखी थी 7, 23, 39, वो उनका परमाणु द्रव्यमान था, वो संख्या लिखनी है। ठीक है भाई, ये सभी क्वेश्चन आपने कॉपी में करके लाने हैं। धन्यवाद।